हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी ठीक होगे गाइस। तो गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं वन प्लस नोट टू का कैमरा रिव्यू और कैमरा टेस्ट। तो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे कि हम वन प्लस नोट टू के कैमराज के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसकी वीडियो क्वालिटी, फ़ोटो क्वालिटी, सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही में बताने वाले हैं इसके अंदर आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलेगी और इसके कैमराज कितने कितने मेगापिक्सल के होने वाले हैं। तो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। गाइस, इस वीडियो के एंड में हम आपको इससे शूट हुई वाई वीडियो फुटेज, पोर्ट्रेट मोड, सभी वीडियो के फ़ोटो और वीडियो भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को यार शुरू से लेकर एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप कभी भी फ्यूचर में नोट लेना चाहते हैं। तो गाइस, उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसके फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं। तो चलते हैं, वीडियो को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टैग और अनबॉक्सिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए और जल्दी से एक लाइक भी कर दिए। तो चलिए चलते हैं, करते हैं शुरू। तो गाइस, इसके कैमराज की बात करें, सबसे पहले हम मेन कैमरा की बात करें तो इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का 1.9 के अपर्चर के साथ इसमें 24mm वाइड भी देखने को मिलता है। उसके बाद जो हम नीचे वाले कैमरेज की बात करें सेकंड की, तो 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है वाइड एंगल, जो कि अल्ट्रा वाइड है। 2.3 का इसमें अपर्चर देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे जो आप कैमरा देख रहे हैं वो है 2 मेगापिक्सल, जो कि है मोनो लेंस कैमरा, जिसका अपर्चर है 2.4। और सबसे नीचे आप देख सकते हैं फ्लैश है, जो कि डबल LED फ्लैश आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर गाइस, जो बैक कैमराज हैं वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिले हैं हमें, जितने भी हैं। उसके बाद हम बात करें, इसमें आपको कुछ इनबिल्ट फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि कैमरा मोड के अंदर, जैसे कि टाइम लैप्स आपको 1080p पे मिल जाएगा, AI वीडियो इन्हेंसमेंट है और सुपर स्लो मोशन 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्लस वीडियो एडिटर जो कि इसका खुद का है और डबल व्यू वीडियो है, जो कि वीडियो में आगे आप एग्जाम्पल इनके देखने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन मुझे ये लगे। गाइस, आगे बात करें तो आगे इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है, जो कि 30fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मल्टी ऑटो फोकस PDAF प्लस CAF भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो गाइस, इसमें जूमिंग की बात करें तो इसमें 0.6x-10x का इसमें काफ़ी ज़्यादा जूम आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद इसमें आपको वीडियो पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जिससे कि आप वीडियो को बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा DSLR लुक ले सकते हैं। गाइस, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे इस मोबाइल में। तो गाइस, बैक कैमराज के ऑप्शन जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। बात करें इसके जो फ्रंट कैमराज हैं, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और गाइस, इसके अपर्चर की बात करें तो इसमें आपको 2.45 का अपर्चर देखने को मिलता है, जो कि आपकी काफ़ी साथ में इस पिक्चर को क्वालिटी के अनुसार काफ़ी अच्छा इन्हेंस करता है। बात करें इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की, 1080p पे ये 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड करता है, जो कि फ्रंट कैमरे से काफ़ी अच्छी इन्हेंस क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। गाइस, इसके बैक कैमरे में जो इसका मेन कैमरा है, तो उसमें आपको गिम्बल स्टेबलाइजर भी देखने को मिलता है, जो कि आप बाय द वे कभी वीडियो शूट करते हैं तो आपकी वीडियो सेक होती है, तो आपको इसमें वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा स्मूथली वीडियो को शूट करता है। बाय द वे, आप इससे सिनेमैटिक सीन बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे इस मोबाइल में लगा, जो कि नोट प्लस टू में है। तो गाइस, इसके कैमराज में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप मूवीज़ का ऑप्शन देख सकते हैं, एक्सपर्ट, अल्ट्रा रेजुलेशन, पैनोरमा और पोर्ट्रेट मोड, और काफ़ी सारे फिल्टर वगैरह भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। HDR मोड है, और लास्ट में आप देख सकते हैं एक नाइट मोड है। तो काफ़ी अच्छे फीचर्स भी लगे, आप इससे नाइट में सेल्फी या फोटो लेते हो तो काफ़ी शार्प आती है। तो गाइस, जो फिलहाल जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वन प्लस नोट टू से ही कर रहा हूँ, तो आप फ्रंट कैमरे से आप देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस तरह से है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है। जो डिटेलिंग वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छी है, और देख सकते हैं आप काफ़ी जो डिटेल है वो दिखा रहा है, नेचुरल कलर हैं, जो मतलब ओड कलर भी नहीं दिखा रहा है। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मुझे लगी जो फ्रंट कैमरा में। इसमें जो वॉइस है, आप इसी से रिकॉर्ड सुन रहे हैं, एक रो फुटेज है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं है, जो ओरिजिनल फुटेज रिकॉर्ड हो रही है केवल वो ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, इसके आप बैक कैमरे की बात करें तो आप बैक कैमरेज की वीडियो देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्लियरली मुझे नज़र आ रही है, और काफ़ी अच्छी शार्पनेस वगैरह, कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। और बात करें इसके जूमिंग की, तो आप जूमिंग भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे जूमिंग देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जूम यहाँ पे वन प्लस नोट टू में देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो गाइस, बात करें इसके वाइड एंगल कैमराज की, तो आप देख पा रहे हैं जो वाइड एंगल कैमराज से मैंने इस वीडियो को शूट कर रखा, तो काफ़ी अच्छी जो इसमें सब्जेक्ट है वो काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, और काफ़ी कलर वगैरह भी ठीक ठाक इसमें दिखा रहा है।
तो काफ़ी अच्छा वाइड एंगल मुझे इसमें देखने को मिला। तो गाइज इसके बैक कैमराज के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो जो DSLR का लुक देता है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं काफ़ी बैकग्राउंड जो ब्लर कर रहा है और वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं जो कि AI टेक्नोलॉजी द्वारा इसको करा जा रहा है, जो कि जो बैकग्राउंड में ब्लर है वो थोड़ा बहुत कहीं से रह जाता है लेकिन काफ़ी हद तक जो है बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है और एक आपको DSLR लुक वाली वीडियो दे देता है। गाइज अगर इसके पोर्ट्रेट मोड की पिक्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी पिक्चर इसने क्लिक की है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो बहुत क्लियरली ब्लर इस पिक में आपको दिख रहा है। कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे जो ब्लर है वो रह गया है, तो छोटे छोटे पार्ट में कभी कभार ब्लर रह जाता है, तो ये डिसपॉइंट मुझे लगा इसके पोर्ट्रेट मोड में। बाकी ऑल ओवर जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी और गाइस ये वाली पिक्चर जो देख रहे हैं आप इसके नॉर्मल मोबाइल से क्लिक की है, जो कि नॉर्मल कैमरा है, तो आप देख सकते हैं इसमें बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह कुछ भी नहीं है। जो कलर सैचुरेशन है वो भी ऑल ओवर ओके है। जो बैकग्राउंड का ब्लर है नॉर्मल जो कि अपर्चर के साथ होता है, और जो फेस के क्लियर डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे शो हो रहे हैं। तो दोनों ही कैमरा मुझे अच्छे लगे, पोर्ट्रेट मोड भी और नॉर्मल मोड भी। गाइज मुझे दोनों ही मोड इसके काफ़ी अच्छे लगे। अब मैं आपको दो पिक्चर दिखा रहा हूँ जो कि एक नॉर्मल मोड है और एक पोर्ट्रेट मोड है, तो दोनों ही पिक्चर आप देख सकते हैं सेम क्वालिटी में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। बस पोर्ट्रेट मोड में आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा है और नॉर्मल में बैकग्राउंड ब्लर नहीं मिल रहा है। तो गाइस वन प्लस नोट 2 के मुझे काफ़ी अच्छे कैमराज लगे हैं। यहाँ पे प्राइस सेगमेंट को देखते हुए इस प्राइस में आपको एक अच्छे स्मार्टफोन का कैमरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गाइस अगर आपके मन में कोई डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक करके जाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। गाइस अगर आप वन प्लस नोट को बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके सीधे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।